शुभ सकाल मित्रों, वेलकम टू शब्बीर बोहरा व्लॉग्स। आज चिखलदरा में हमारा तीसरा और अंतिम दिन है। सुबह के 10 बज रहे हैं। हम लोग अभी तिवारी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के बाद जा रहे हैं भीमकुंड की ओर। भीमकुंड देखने के बाद रिटर्न में हम खड़गे जी का स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन देखेंगे और वहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बॉटनिकल गार्डन की सैर करने के बाद कॉफ़ी प्लांटेशन को देखेंगे। आपको मालूम ही होगा कि महाराष्ट्र में चिखलदरा एक अकेला क्षेत्र है जहाँ पर कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है और खेती होती है। उसके बाद हम लोग सेमाडो की तरफ नीचे उतर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग खड़े हैं भीमकुंड पॉइंट पर। यहाँ आप देखिए, इधर बरसात में बहुत ही सुंदर झरना बहता है। अभी तो इतना पानी नहीं है यहाँ पर, और ये सबसे ऊंची पीक में से एक है चिखलदरा की। और कहते हैं कि महाभारत काल में जब कीचक ने द्रौपदी की परेशान करते हुए उसे यहाँ रात में बुलाया था, तो भीम यहाँ पर द्रौपदी के भेष में आकर बैठा था। और जब कीचक यहाँ पहुँचा तो भीम ने उसका वध किया और उसके पश्चात यहाँ पर भीम ने स्नान किया था, तो इसलिए इसे भीमकुंड कहते हैं। भीमकुंड से आपको मेलघाट के नीचे वैली का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। दूर आपको पवन चक्की भी दिखाई देगी। ये है भीमकुंड का प्रसिद्ध फ्रूट बेर, जंगली बेर है, और इसे चाशनी में पकाता है, इसमें नमक डाला जाता है और बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। भीमकुंड से लौटते हुए अब हम लोग रुकेंगे नारायण खड़गे के स्ट्रॉबेरी फार्म में। तो चिखलदरा अपनी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मशहूर है। जब आप भीमकुंड से लौट कर आएँ तो थोड़ा आगे आकर नारायण खड़गे का स्ट्रॉबेरी फार्म है, तो यहाँ से आप स्ट्रॉबेरी ज़रूर लें और साथ में आपको शहद भी मिल जाएगा, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक शहद है। ये लगभग 400 रुपये किलो है, 600 रुपये किलो है। ये नारायण भाई है, इन्हीं का फार्म है। और यहाँ से आप देखिए स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी देखिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉबेरी। और ये नारायण भाई के सुपुत्र भी बैठे हुए हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। और ये अभी हम लोग ये जरा स्ट्रॉबेरी खा कर देखते हैं। बहुत बढ़िया। ये है मेलघाट जंगल सफारी का बुकिंग ऑफिस, जहाँ से आप मेलघाट सफारी बुक कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से जिसमें साई होटल एक बहुत अच्छा होटल है, जहाँ आप लंच ले सकते हैं। अभी हम लोग चिखलदरा में नगर पालिका मार्केट के पास आशीष खड़गे की दुकान पर हैं। ये सभी तरह के दूध के मिठाइयाँ और कलाकार भी कलाकंद वगैरह कई चीज़ें बनाते हैं। ये हम लोगों ने भी अभी ले लिया है, जरा मैं भी अभी खा कर देखता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट। फ्रेंड्स, ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प और बॉटनिकल गार्डन, जहाँ आप मेलघाट में पाए जाने वाली कई प्रकार की वनस्पतियाँ, ट्रीज और मेडिसिनल प्लांट्स देख सकते हैं। चिखलदरा महाराष्ट्र का एकमात्र कॉफी कल्टीवेटिंग एरिया है। ये है कॉफ़ी के फ्रूट्स, इन्हें पेड़ से तोड़कर सुखाया जाता है और सूखने के बाद एक गोल घूमने वाले बर्तन में नीचे आग लगाकर इन्हें भुना जाता है, और उसके बाद इसका पाउडर बनाने के बाद बढ़िया कॉफ़ी तैयार होती है, जो आप चिखलदरा में कई स्थानों पर ख़रीद सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सेमाडो की ओर। रास्ते में हम लोग फॉरेस्ट के रिजर्व गेट के नज़दीक जतराडो वाटरफॉल देखेंगे और उसके बाद नीचे सेमाडो की तरफ यात्रा करेंगे।
चिखलदरा से सेमाडो रिजर्व फॉरेस्ट की ओर जाते समय फॉरेस्ट के एंट्री गेट के पास थोड़ा बाएं हाथ पर कच्चे रास्ते पर चलकर आप जतराडो वाटरफॉल पहुंच जाएंगे। बड़ा ही सुंदर वाटरफॉल है, पर इसके बहुत नज़दीक जाना खतरनाक है क्योंकि कई डूबने की घटनाएं हो चुकी है, तो इसलिए दूर से ही इसका आनंद लें। तो फ्रेंड्स, जतराडो वाटरफॉल देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं 25 किलोमीटर दूर सेमाडो एको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की ओर। ये यात्रा हम लोग करेंगे लगभग एक घंटे में, और यहाँ का व्यू आप देखिए, बड़ा ही सुंदर व्यू है। इस समय हम लोग मेलघाट रिजर्व फॉरेस्ट के कोर एरिया से गुजर रहे हैं। यहाँ से बाइक से जाना बहुत सेफ नहीं है, पर थैंक गॉड कि वी आर बॉर्न इन दिस टाइम एंड पीरियड कि आप ये सफ़र कर पा रहे हैं, वरना किसी दिन ये रास्ता भी वैराट की तरह बंद कर दिया जाएगा और आप केवल सफारी के द्वारा ही इस सुंदर जगह से यात्रा कर सकेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेमाडो के एको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में। चिखलदरा से रिजर्व फॉरेस्ट से होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अंदर जाकर हम लोग कैंटीन में कुछ खान पान करेंगे और पूरा हम लोग अंदर देखते हैं। यहाँ से सफारी से आप अंदर रिजर्व फॉरेस्ट में घूमने भी जा सकते हैं। मैं भी आपको वो बस दिखाऊंगा और सफारी टैक्सियाँ भी दिखा दूँ। इस 16 सीटर बस से और जिप्सी से आप सफारी की यात्रा कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आज कोई दूसरा टूरिस्ट है नहीं, तो हम लोग भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि 16 लोगों के इकट्ठा होने पर ही ये बस चलती है। ये कॉम्प्लेक्स सिपना नदी के किनारे पर बसा हुआ है और बड़ा ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। यहाँ पर आप बड़ा एंजॉय कर सकते हैं और स्टे भी कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हट्स बने हैं और 16 बेड की डॉर्मेट्री भी है जहाँ आप ग्रुप स्टे कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कैंटीन की ओर। सेमाडो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का कैंटीन है। यहाँ पर आप फॉरेस्ट की कैंटीन में सब तरह का खाना आप अवेलेबल रहेगा और बड़ा ही स्वादिष्ट है। मैं कई बार यहाँ पहले भी खा चुका हूँ, तो यहाँ आप खाने का ऑर्डर कर सकते हैं और उसके बाद रहने के लिए भी आपको हट्स है, वो अभी हम लोग हट्स देखेंगे। दोस्तों, ये है कॉम्प्लेक्स का म्यूज़ियम जहाँ पर आप चिखलदरा में पाए जाने वाले फ्लोरा फौना और कई प्रकार के पशु पक्षियों को देख सकते हैं, और सामने ही ये है हट्स जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन बुकिंग magicalmelghat.com पर आप कर सकते हैं। और अब यहाँ से हम लोग रिटर्न होकर सेमाडो विलेज की तरफ जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये है सेमाडो का सबसे पुराना भवन गंगा सागर कॉम्प्लेक्स, जहाँ की दही रबड़ी बड़ी मशहूर है। मस्त है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी चिखलदरा और मेलघाट टाइगर रिजर्व की ये यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स और जर्नीज पर मेरे साथ चलने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।